वाराणसी में साल 1991 में हुए अवधेश राय हत्याकांड के 32 साल बाद अब इस मामले में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वाराणसी की कोर्ट ने इस मामले में मुख्तार अंसारी को 1,00,000 रुपए का जुर्माना देने का भी आदेश दिया है। मुख्तार अंसारी पर यह आरोप था कि उन्होंने मुन्ना बजरंगी के साथ मिलकर अवधेश राय की हत्या की। अवधेश राय की हत्या वाराणसी के लहुराबीर इलाके में हुई थी। 32 सालों तक चली कानूनी कार्रवाई के बाद मुख्तार अंसारी को वाराणसी की कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। इस मामले पर अवधेश राय के छोटे भाई और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रहे अजय राय ने खुशी जताई है। अजय राय ने कहा है कि उनकी पैरवी के कारण 32 वर्षों बाद मुख्तार अंसारी को अदालत से सजा हुई है। वहीं इस सवाल पर कि क्या सरकार की पैरवी के कारण भी मुख्तार अंसारी सजा के मुकाम तक पहुंचा है, अजय राय ने कहा कि अगर सरकार ने ठीक से पैरवी की होती तो कई मामलों में मुख्तार अंसारी छूट ना पाता, लेकिन सरकार की कमजोर पैरवी के कारण गाजीपुर से लेकर जेलर को धमकी मिलने तक के मामले में मुख्तार अंसारी को सजा नहीं हो पाई, ये सरकार की विफलता भी है। अजय राय ने कहा कि 32 वर्षों तक मेरा परिवार एक संघर्ष को देखता रहा, मेरी मजबूत पैरवी के कारण ही मुख्तार अंसारी को सजा मिल पाई है। इस मामले को लेकर 32 वर्षों तक कानूनी कार्रवाई चली जिसमें अजय राय मुख्य गवाह थे। अजय राय ने इस मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ कई बार गवाही दी और कई बार अपनी सुरक्षा को खतरा भी बताया। इस मामले के राजनीतिक मोड़ उस वक्त आए जब अजय राय से सुरक्षा वापस ले ली गई। अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है उसकी पूरी पूरी जिम्मेदार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। अब ये सरकार को तय करना चाहिए कि जो व्यक्ति लड़के खड़ा है उसकी सुरक्षा करें और उसके पूरे परिवार की सुरक्षा। अब ये सुप्रीम कोर्ट तक भी हम लोग लड़ेंगे, कहीं भी पीछे नहीं है। जो व्यक्ति 32 साल इंतजार कर सकता है तो आगे भी लड़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। और उन्होंने सरकार पर यह आरोप लगाया कि वो मुख्तार अंसारी केस में प्रमुख गवाह होने के बावजूद सरकार की सुरक्षा नहीं ले पा रहे हैं, ये खुद सरकार की नाकामी है। लेकिन राजनीतिक उठापटक और कानूनी कार्रवाइयों के बीच आज मुख्तार अंसारी को अजय राय सजा दिलाने में कामयाब हुए हैं। इसे वाराणसी की राजनीति में एक अहम अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। ये बहुत बड़ी जीत है, 32 साल से लगातार हम लोग लड़ रहे हैं इस चीज को और अंततः आज फैसला आया है, यही हम लोगों के लिए ढेर सारी। क्या आगे उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में भी जाएंगे? जी जरूर जरूर, ये वादी मुकदमा है जहां ये पैरवी करेंगे, उनके साथ अगर हम लोग अपॉइंट होते हैं तो हम लोग भी लड़ेंगे। अब मुख्तार की तरफ से क्या स्टैंड हो सकता है? अब ये तो उनके वकील बताएंगे, उनके वकील बता सकते हैं। उच्च न्यायालय जा सकते हैं? अब स्वाभाविक है, जब यहाँ से सजा हुई है तो वो उच्च न्यायालय ही जाएंगे। बिल्कुल नहीं, जो आजीवन कारावास की सजा है उसका मतलब ये होता है टिल डेथ वो अंडर कस्टडी रहेंगे। वो समायोजित होगा नहीं होगा ये हाईकोर्ट तय करेगा। क्या ऊपरी अदालत में जाने का रास्ता भी साफ है? ऊपरी अदालत में वो जाएंगे, उसमें भी हम लोग जाके वहाँ पर अपने वकील लग के वहाँ पर हम लोग विरोध करेंगे। बीसी के जरिए मुख्तार अंसारी जुड़ा था? हाँ, बीसी के जरिए उनकी पेशी हुई थी। हाँ, हम लोग ये चाहते थे कि अधिक से अधिक सजा हो, न्यायालय ने जो निर्णय दिया उस निर्णय से हम लोग संतुष्ट हैं। हम ये कहते हैं कि न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया उस निर्णय से हम लोग संतुष्ट हैं। ये तो हमने देखा नहीं, वो कोर्ट की तरफ ओबीसी में उनका फोटो था। अनु जी, कितना संघर्ष करना पड़ा? ये काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन संघर्ष का अंत में रिजल्ट अच्छा आया और मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा हुई। क्या इस सजा के बाद आपको लगता है कि माफियाओं में फौज की स्थिति रहेगी? ये निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश समाज में जाएगा कि जिस तरीके से अजय राय ने मेहनत करके परिश्रम करके इस मुकदमे में सजा दिलाने मुख्तार को सफलता दिलाई है, वो उनका अहम रोल रहा है इस मुकदमे के सजा कराने में। अच्छा, बाकी लोग कौन है जो हाईकोर्ट में है? ये बाकी लोग नहीं, वो इन लोगों का इलाहाबाद में पेंडिंग है विचाराधीन है मामला राकेश नाइक के खिलाफ। हमारे साथ हैं अमर तानू जी, आपको लगाई हुई है सर? निश्चित रूप से संघर्ष में लगा, लेकिन संघर्ष का रिजल्ट जो आया सुखद रहा और न्यायपालिका के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा इसमें। अनु जी, एक बात ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से बीच में जो केस जारी थी वो भी गायब हो गई, फोटोकॉपी के आधार पर न्यायालय के परिश्रम से सभी प्रतियों का जो है सर्टिफाइड कॉपी इलाहाबाद से मंगाया गया, अब मंगा के उस पर ट्रायल किया गया है। तो आपको लगता है कि ये क्या मुद्दे को जो मामला था उसको भटकाने के लिए किया गया था केस जारी? निश्चित रूप से भटकाने के लिए कई प्रयास हुए, उसमें जो केस जारी गायब हुआ कैंट थाने में उसमें FIR भी दर्ज हुआ है जिसमें मुख्तार अंसारी मुलजिम है, और जो मामले
इलाहाबाद में विचाराधीन है, उसकी सत प्रतिलिपि मंगा के पत्रावली में दाखिल करके इसका सुनवाई हुआ था, जिसमें आज निर्णय आया है। क्या आपके गवाह को या आप लोगों को कभी धमकी मिली? निश्चित रूप से पहले हमारे गवाह को कई बार प्रेशराइज किया गया था, सुलह करने के लिए दबाव बनाया गया था, लेकिन मेरा गवाह जो है तटस्थ रहा और न्यायालय में आकर अपने पक्ष को रखा, जिसका रिजल्ट आज आपके सामने है। कई बार ये मुकदमे को जो है स्टे करा दिया गया था, स्टे को वैकेट कराने में, संघर्ष करने में, पत्रावली को लाने में काफी समय लगा, लेकिन आज निर्णय आने के बाद समाज में इसका अच्छा संदेश गया और समाज में न्यायपालिका के प्रति लोगों का भरोसा विश्वास उठेगा, बढ़ेगा। क्या आपको लगता है कि जब सरकार चुस्त दुरुस्त होती है तो गवाह अपनी गवाही पूरी कर पाते हैं, विवेचक अपने बयान दे पाता है, आपको उस पर सरकार? निश्चित रूप से इसमें मैं सरकार का कोई रोल नहीं मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि जो इसके चश्मदीद गवाह थे अजय राय जी, अगर वो गवाही नहीं देते, आज कोई उनको सुरक्षा व्यवस्था नहीं मुहैया कराएगा, उसके बाद भी वो तटस्थ होकर अपने मुकदमे के पक्ष को रखे और रख के वो जो है आज इस मुकाम पर आया है, रिजल्ट आपके सामने है। उसके चश्मदीद गवाह विजय गुरु, जिनको कोई सुरक्षा नहीं मिली थी, उसके बाद भी वो न्यायालय में आकर एज ए आई विटनेस उन्होंने अपनी गवाही को दिया, जिसका रिजल्ट आज आपके सामने है। सर क्या लगता है कि इतने दिनों से निश्चित रूप से कहीं रहते हमारा गवाह तटस्थ था, आई विटनेस था, उन्होंने गवाही दिया, जिसका रिजल्ट आज आपके सामने है। डेडलाइट मर्डर का ये पहला केस पे मुख्तार अंसारी, ये पहला है, पहला मामला है जिसमें मुख्तार अंसारी के संपूर्ण अपराध जीवन में ये पहला ऐसा मुकदमा है जिसमें आजीवन कारावास की सजा हुई है। चार मुकदमों में अब तक वो कन्विक्ट हो चुके हैं। ये पांचवा मुकदमा है सर, क्या जी क्या लगता है कि मतलब इतने दिनों से मामला टिका था, जो कि अपराधी होने के बावजूद उम्र कैद की सजा दी जा चुकी है और इस पर बातचीत करने का क्या आपको लगता है? ज्यादा मुकदमा सर, जो सजा हुआ है अब उसके आगे का रास्ता क्या होता है? आप लोगों की मांग थी फांसी होनी चाहिए। नहीं, हम लोगों की मांग थी फांसी होनी चाहिए, चूंकि डेलाइट मर्डर था, ब्रूटल मर्डर था, लेकिन न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, उस न्यायालय के उस निर्णय से हम संतुष्ट हैं, 1,00,000 रुपए का जुर्माना दिया गया है। फैसला आ गया है, लेकिन आप लोगों को सुरक्षा को लेकर किस तरह से डर है, क्या मांग? निश्चित रूप से जिस हिसाब से कुख्यात अपराधी के खिलाफ आजीवन मुकदमा तथा तमाम हमारे साथी अधिवक्ताओं ने पैरवी किया, उनको सुरक्षा सरकार को मुहैया करानी चाहिए।